सो दोस्तों, अगर आपके पास नया बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड मिला है और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने एटीएम कार्ड का पिन जनरेट कैसे करें, क्योंकि दोस्तों कोई भी नया एटीएम कार्ड मिलता है तो सबसे पहले नया पिन अपने मन से बनाना पड़ता है। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि नया एटीएम कार्ड का पिन कैसे जनरेट करें। तो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखें तभी आप नया पिन जनरेट कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो अगर आप इस चैनल पर पहली मरतबा आए तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली मरतबा आए तो वीडियो के नीचे एक लाल वाला दिखेगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में एक बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन में जाना है, उसके बाद फाइनली आपका जो एटीएम कार्ड नया होगा वो फाइनली उसमें डाल देना। डालने के बाद कुछ देर प्रोसेसिंग होगा, और कुछ देर प्रोसेसिंग होने के बाद फाइनली आपको बोलेगा कि लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं। उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे सबसे नीचे जनरेट पिन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उस पर क्लिक करने के बाद अपना जो अकाउंट नंबर वो डाल देना है, डालने के बाद फिर से कंफर्म डाल देना है, जो दो बार डालना है, उसके बाद करेक्ट कर देना है। करेक्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ देर प्रोसेसिंग में होगा, और कुछ देर प्रोसेसिंग में होने के बाद यहाँ पे बोलेगा जो आपके खाता में रजिस्टर मोबाइल नंबर वो डालने के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद दोस्तों उस पर ओटीपी गिरेगा, दोस्तों ओटीपी गिरने के बाद डाल देना। डालने के बाद आपका पिन सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा हो गया है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ये लाल वाला पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में एक बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों इस चैनल पर इसी तरह का कोई भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही था।